हाय फ्रेंड्स, सत्यजीत टेक वॉल चैनल पर आपको स्वागत। मैं सत्यजीत कंप्यूटर साइंस के ऊपर आज और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, कितने प्रकार के हैं और प्रोग्रामिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है। इन सब के बारे में इस वीडियो पर डिटेल में जानकारी प्रदान करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चलिए बिना समय गवाए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस अध्ययन का एक क्षेत्र है जो कंप्यूटर को उपयोग करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने से संबंधित है। हम सभी भाषाओं अथवा लैंग्वेज के महत्व के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। भाषा का प्रयोग किए बिना मनुष्य आपस में बात भी नहीं कर सकते, और दुनिया में सबसे प्रमुख लोगों की भाषा है इंग्लिश। किसी भी लोगों से बात करने के लिए हम इंग्लिश अथवा दूसरे कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर लोगों की नॉर्मल भाषा को समझता नहीं। कंप्यूटर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रकार की भाषा है जो शब्दावली एवं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के संगम से बनता है, और इसे कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉर्मली कंप्यूटर को आदेश अथवा निर्देश देता है किसी विशेष कार्यों को करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मदद से लोग कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं या निर्देश देते हैं किसी टास्क को पूरा करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने प्रकार के हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मोटा मोटा दो भागों में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज एवं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा पहचाने जाने वाले विशेष निर्देशों को मिलकर बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे कंप्यूटर की मूल भाषा भी कहते हैं, जिसे कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ लेता है लेकिन ह्यूमन के लिए बहुत कठिन लगता है। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को रन या चलाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर या सरल भाषा में कहे तो व्याख्या या अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ता, ये सीधे निष्पादन योग्य होते हैं। मनुष्य के लिए लो लेवल लैंग्वेज को समझना और इसको इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल है। लो लेवल लैंग्वेज को भी दो भागों में बांटा गया है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज जो कि जीरो और एक में लिखा जाता है, ये सबसे बुनियादी लो लेवल लैंग्वेज में से एक है। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझने के हिसाब से तो आसान है लेकिन ह्यूमन या प्रोग्रामर को बहुत कठिन लगता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज को सरल बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का डेवलप किया गया है। असेंबली लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज का साथ साथ अंग्रेजी भाषा में लिखे कुछ निर्देशों का भी उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और इस ट्रांसलेटर को असेंबलर कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे या बने प्रोग्राम को एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन तक ले जाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि दूसरे मशीन पर इन्हें निष्पादित करना काफ़ी मुश्किल होता है। लो लेवल प्रोग्राम में मौजूद गलतियों को ढूंढना अथवा उनको सुधार की प्रक्रिया भी काफ़ी मुश्किल है। लो लेवल लैंग्वेज को सरल बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए इंग्लिश भाषा के शब्द और मैथ्स के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ह्यूमन द्वारा इसे समझना और इसके इस्तेमाल में से प्रोग्राम लिखना काफ़ी आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर इंडिपेंडेंट और कह सकते हो किसी भी हार्डवेयर के ऊपर निर्भर नहीं करता,
इसलिए एक कंप्यूटर से बनाए गए प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर पर ले जा सकते हैं और उस पर चला भी सकते हैं। ये मशीन लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम या सोर्स कोड को पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटर के मदद से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को भी मोटा मोटा तीन भागों में बांटा गया है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कोबल, बेसिक एवं पास्कल। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल, प्रोलॉग एवं लिप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे C++, C#, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, विजुअल बेसिक एट्सेट्रा। बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग। नॉर्मली हम जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, ये बहुत सारे एलिमेंट के संगम से बनता है, जैसे अक्सर, वोकैबुलरी और ग्रामर मिलकर बनते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी काफ़ी सारे एलिमेंट की संगम से बनते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुख्य एलिमेंट्स जैसे कैरेक्टर सेट्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरेज, फंक्शंस, क्लास एवं ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं ABCDEFZ तक, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ कैरेक्टर सेट्स है जिनको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैरेक्टर सेट्स जैसे लेटर्स A to Z तक, डिजिट्स 0 से 9 तक, स्पेशल कैरेक्टर्स एवं वाइट स्पेस की कॉम्बिनेशन से बनता है। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स एक प्रकार की सेट ऑफ वर्ड्स एवं रिजर्व वर्ड्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी ये सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका निश्चित अर्थ होता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग में वोकैबुलरी को रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट ऑफ कीवर्ड के जरिए, जिनका मतलब एवं एक्शन पूरा प्रोग्राम में सेम एवं फिक्स रहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कुछ सेट ऑफ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, आप स्क्रीन में दिए लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स, C++ प्रोग्रामिंग में 95 कीवर्ड्स, C# प्रोग्रामिंग में 79 कीवर्ड्स, जावा प्रोग्रामिंग में 48 कीवर्ड्स, PHP प्रोग्रामिंग में 67 कीवर्ड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग में 35 कीवर्ड्स होते हैं। ऑपरेटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर एक प्रकार की सिंबल है जो कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर को बोलता है मैथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल एवं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और हमें फाइनल रिजल्ट देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एवं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स। वेरिएबल्स। मैथमेटिक्स में जैसे हम जानते हैं कि वेरिएबल एक अल्फाबेट अथवा टर्म को रिप्रेजेंट करके एक अननोन नंबर, वैल्यू, क्वांटिटी को दर्शाता है, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डाटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स। लूप्स। लूप्स एक प्रकार की प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो इंस्ट्रक्शन को रिपीट करता है तब तक जब तक उसका किसी स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल नहीं होता। लूप स्टेटमेंट जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। एरेज।
एरेज को यूज़ करते हैं सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर अथवा डिफाइन करने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए हम प्रोग्रामिंग में एरे को डिक्लेयर करते हैं। एरे के मदद से हम बहुत बड़ा वेरिएबल को एक सिंपल एक्सप्रेशन से डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शंस प्रोग्राम को छोटा मॉड्यूल में व्यवस्थित करके रखने में आसान साधन प्रदान करता है और सभी कोड को फिर से लिखे बिना कहीं पर भी करने का सुविधा प्रदान करता है। फंक्शन एक कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके मदद से एक्सप्रेशंस को बार बार कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स एवं क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स एक प्रकार की प्रोग्राम है जो वास्तविक दुनिया की चीज़ों को प्रतिनिधित्व करता है। ऑब्जेक्ट्स क्लास का एक इंस्टेंस होता है। क्लास एक स्ट्रक्चर के जैसा होता है। क्लास यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ प्रोटोटाइप होता है। क्लास ऑब्जेक्ट का एक समूह होता है। एग्जांपल के तौर पे किसी स्कूल के स्टूडेंट के ग्रुप को आप कह सकते हैं एक क्लास है और उस स्टूडेंट क्लास के अंदर जैसे जॉन, सोफिया एवं लिली को कह सकते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। मैं आशा करता हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, कितने प्रकार के हैं और प्रोग्रामिंग के क्या क्या एलिमेंट्स है इसके बारे में आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कन्फ्यूजन या क्वारी है तो कमेंट्स करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट satyajitblogs.com पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग एवं मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।